लोगों ने कितने 9 point कुछ million उसका डिसलाइक किया है। देखिए जी वो क्या है कि ये क्या होता है ना, लोग जो हैं अब एक आदमी इनसे एक हवा एक वेव आती है वो भी गलत है। क्या आलिया भट्ट जैसी अच्छी कलाकार नहीं, आप मेरे को जवाब दीजिए। बहुत अच्छी आप नहीं, मेरे को आप बताइए। नहीं, नहीं नहीं आप मेरे जवाब दीजिए। आलिया भट्ट के बारे में आप क्या कहते हैं आप बताइए। चलिए नहीं कलाकार है बस बात खत्म होगी फिर आगे। एक समाज का राज चलता है इसके बारे में आप क्या करना, ऐसा फिल्मी दुनिया में नहीं कोई राज नहीं चलता जी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हम तो बहुत पुराने हैं ना, मुझे कम से कम इंडस्ट्री में 45 से 50 साल हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अपने बच्चों को हीरो बनाया लेकिन अगर उनमें टैलेंट नहीं था नहीं आगे बढ़ सके। हम नाम नहीं लेना चाहते, आप सब जानते हैं। हाँ कुछ भी कर लो तो आप जो है ये मानता हूँ कि अपने आप चांस तो मिल जाएगा आगे बढ़ना तो आपको। हम भी तो स्ट्रगल करके बने हाँ, से छोटे छोटे किरदार करते हम किसी करते, को नहीं किसी को नहीं, नहीं था। पर आदमी में जब तक आप में हुनर नहीं होगा आप नहीं बनोगे। नहीं नहीं बन सीधी बात है इम्पॉसिबल। बाकी आपकी आप कितने बड़े स्टार बनते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आपकी परवाज कहाँ तक ये आपकी आपकी डेस्टिनी आपकी किस्मत की। कि 2-10 साल से करती रही प्रोजेक्ट, मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि ऑडिशन दे दे के आज यहाँ तक आई हूँ। और आई एम वेरी मच थैंकफुल मैं पुनीत सर के साथ आज उस लायक बनी हूँ। आई एम श्योर कि थैंकफुल हूँ कि मैं पुनीत सर के साथ आज काम कर। बेटे आपकी मेहनत है जो सामने आई है। हाँ जी जैसे कि अक्सर आपका टाइम अलग था अभी चीजें बदल चुकी हैं। पहले बुला बुला कर आप फिल्में करेंगे लोग मानते हुए अच्छा फिल्म करना ये सब बॉलीवुड में आना। हाँ जी अभी एक जैसे कहावत है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अब पीछे आप देखो 80% जो 70% ये चीजें हैं राजा कहाँ बना हीरो का जो बच्चा है हीरो ही बनता है। कहाँ बना कितने बने क्या कर रहे हैं आप। नहीं सर अच्छा माफ करना फिर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है जमींदार का बेटा जमींदार। देखिए आप भी समझ रही मैं सुशांत को लेकर बात है। नहीं आपको देखिए नहीं आप सुशांत की बात पहली बात है वो मैटर पे हम बात नहीं करना हमारी आपने हम के फिल्म की प्रमोशन के लिए आए। आप वैसे मेरे से बहस करना चाहे मैं आपको 10,000 चीजें बोल सकता हूँ। नहीं नहीं आपको नहीं आप मेरी बात सुनिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज आई टेल यू जिस तरह एक होता क्या कि जैसे सपोज अगर मैं आर्मी में हूँ ओके मैं मेजर जनरल की पोजीशन पे हूँ अगर मेरा बेटा जब बड़ा होता है वो कहता है डैड मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है सपोज तो मैं उसका मार्गदर्शन सही कर सकता हूँ कि बेटे आप पहले ये एंट्रेंस एग्जाम दो आप IIM जाओ आप NDA जाओ लेकिन पढ़ना उस बच्चे को पढ़ेगा उसमें हुनर होगा तो ही वो बनेगा। ठीक है वो आर्मी में ज्वाइन कर जाएगा अगर उसमें काबिलियत नहीं होगी वो मेजर तक ही रुक जाएगा कर्नल का बनेगा ब्रिगेडियर का बनेगा फिर मेजर जनरल फिर लेफ्टिनेंट जनरल वो उसको अपनी काबिलियत अपनी मेहनत पे करना पड़ेगा वही लागू होता है फिल्मों में। आप अगर आप बिजनेस करते हैं आपका अच्छा बिजनेस है आप नहीं चाहेंगे आपके बेटे को आप उसमें डालें। अगर आप बोल रहे मैं नहीं चाहूंगा आप झूठ बोल रहे हैं। कल अगर मैं मेरे बेटे को क्या दे सकता हूं बेटे ये लाइन मैं तो स्ट्रगल करके आया हूं आप अगर इस लाइन में आना चाहते हो मैं आपको सिखा सकता हूं आपका तलफ्फुज स्ट्रांग करो अपनी आवाज पे काम करो अपनी बॉडी पे काम करो वो करो बाकी स्ट्रगल तो आपको भी करनी पड़ेगी 10,000 के 10 दफ्तरों में जाना पड़ेगा फिर कोई आपके लायक रोल होगा तो आपको देंगे और आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। आप में टैलेंट होना सर्वप्रथम है ये मेरा मानना है दिस इज माय थिंग सर। ये सर हम नहीं कह रहे सड़क टू का जो ट्रेलर आया उसको बात को लेकर कह रहे हैं लोगों ने कितने 9 point कुछ million उसका डिसलाइक किया है। देखिए जी वो क्या है कि ये क्या होता है ना लोग जो है अब एक आदमी इनसे एक हवा एक वेव आती है वो भी गलत है। क्या आलिया भट्ट जैसी अच्छी कलाकार नहीं आप मेरे को जवाब दीजिए। बहुत अच्छी है आप नहीं मेरे को आप बताइए। नहीं नहीं आप मेरे जवाब दीजिए। आलिया भट्ट के बारे में आप क्या कहते हैं आप बताइए। चलिए नहीं कलाकार है बस बात खत्म होगी फिर आगे बात मत करिए मेरे से। आप संजय दत्त अच्छा कलाकार है कि नहीं है लेकिन सर ये जो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप क्या मेरे से सवाल कर रहे हैं मैं आपका सवाल करता हूँ। कलाकार है लेकिन पब्लिक की जो राय है सर ना वो पब्लिक की राय वो हवा है। एक स्टार को स्टार कौन बनाता है चलिए बोलिए आप कौन बनाता है स्टार सर पब्लिक ही बनाती है सर। जागो और जियो की उसमें कितनी लागत लगी है जो फिल्म बनाने में सर ये आपको क्यों बताऊं आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपका ये सवाल गलत है आप नहीं पूछ सकते पिक्चर बनी है सुनिए नहीं नहीं आपका आपका सवाल है उसमें लागत राम भाई की नहीं जितनी भी लगी है हर फिल्म बनती है कितने करोड़ की लागत की है ये है वो बताई जाती है इसकी नहीं नहीं कुछ ये सुनिए पिक्चर बनी है एक मिनट साइलेंस पिक्चर बनी है इसका प्रमोशन हो रहा है पिक्चर रिलीज होगी
इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. यूट्यूब पे फिल्म रिलीज की, पहली बात है शॉर्ट फिल्म्स तो मोनेटाइज होती नहीं है. आप थोड़ा रिसर्च करो, एक रुपया नहीं कमाता आदमी शॉर्ट फिल्म. तो ये आदमी ने हमारा कन्विक्शन से हमारा लॉस कितना हुआ है इसमें, हम बता देंगे आपको. आपको पता है ये बनाना, आप कुछ बोल रहे थे. नहीं, आप पता लॉस कितना हुआ है. बहुत बहुत होगा. उन्हें जी मैं ये बोल रहा हूँ. हाँ जी बोलिए. सुशांत के मामले में इतनी बड़ी जागरूकता पूरा देश बोल रहा है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही खुल के. आप उनसे पूछिए ना, उनको नहीं बोल रहे. उनसे आगे पूछिए. आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आप जाइए उनके घर जाइए. ऐसे तो कोई राम मंदिर के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं. वो भी हमको आप वो भी फिर आप उठा लो. कितने ऐसे सब CAA CAB के बारे में किसी ने नहीं बोला. तो ये तो फिर अभी जो बैंगलोर में जो हुआ, बैंगलोर के बारे में किसने बोला, किसने बोला. आप उसके पहले सब ट्वीट कर रहे हैं. बैंगलोर पे क्या उस पर बात करता है, कोई नहीं करता. कोई नहीं करता. बिकॉज क्या कि वो बेचारे लोग से देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक बहुत सही बात बताता हूँ. क्या होता है कि जो कलाकार है बहुत ही इनसिक्योर रहता है. इनसिक्योर इसलिए रहता है क्योंकि उसकी एक फिल्म क्या, अगर मैं कोई ट्वीट करूँ, ट्वीट करता हूँ, कहीं उसका गलत उसका इंटरप्रिटेशन निकल गया तो प्रोड्यूसर की बेचारे का लॉस हो जाए.